नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल गार्डन सीक्रेट्स पर। आप अपनी स्क्रीन पर ये जो प्यारा सा फूल और प्लांट ये देख रहे हैं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और इसको देखकर आप में से ज़्यादातर लोग समझ गए होंगे कि ये कौन सा प्लांट है। जी हाँ दोस्तों, ये कलांचो का प्लांट है जिसको कलांचोए कहा जाता है। लेकिन हम अगर नर्सरी में जाते हैं या स्ट्रीट नर्सरी पर भी जाते हैं तो लोग इसे कलांचो के नाम से ही जानते हैं और ये कलांचो नाम से ही फेमस है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पिंक वाइब्रेंट कलर है मेरे पे पास, और ये जो आप देख रहे हैं ये येलो कलर के बर्ड्स दिख रहे हैं आपको, जो कि जल्द ही फूल में परिवर्तित हो जाएंगे। और मेरा ये फेवरेट कलर है दोस्तों, येलो वाला। ऐसे तो इसमें सफ़ेद, गुलाबी, गहरा गुलाबी, सैफ्रन कलर और लाल रंग के फूल आते हैं। मेरे पास गुलाबी, लाल और सैफ्रन कलर और येलो कलर के हैं। वाइट मेरे पास नहीं है, उसको मैं जल्द ही कलेक्शन उसका करूँगा अपने प्लांट्स में। ऐसे तो दोस्तों कलांचोए की 125 प्रजातियां हैं, लेकिन कलांचोए ब्लॉसीफील्ड ही ज़्यादा हम देखते हैं। और ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये देखिए लाल कलर वाला है जो कि 4 इंच के गमले में ढेर सारे ब्लूम देने को तैयार है। और ये देखिए छोटे से पॉली बैग में है, इसमें भी कलियां आ रही हैं ढेर सारी, और जल्द ही ये कलियां प्यारे प्यारे छोटे छोटे फूल के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। फूल तो इसके दोस्तों छोटे होते हैं, लेकिन इतने पेटल्स होते हैं कि देखने में बहुत ही आकर्षक लगते हैं। और ये जो अभी देख रहे हैं, ये सिंगल पेटल वाला कलांचोए है और इसके भी फूल प्यारे लगते हैं दोस्तों। ये देखिए ये खिले हुए हैं, ये मेरे पास 2 हैं सिंगल पेटल वाले। ये देखिए ये सैफ्रन कलर में कितना प्यारा लग रहा है, छोटा छोटा प्यारा प्यारा फूल। जब ये ढेर सारे गुच्छे में खिल जाते हैं तो बहुत ही आकर्षक लगते हैं दोस्तों। और ये आई कैचर हैं, अगर आप इसके बगल से गुजरेंगे तो आपकी आँखें ऑटोमेटिक पर रुक जाएंगी इनके फूलों पर और आप सोचेंगे कि ये कौन से फूल हैं। ये देखिए ये सैफ्रन कलर का डबल पेटल वाला है और ये येलो वाला है, ये गुलाबी पहले आपने देख ही चुका है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम इसके रख रखाव और कंप्लीट केयर के बारे में जानेंगे दोस्तों। और ये जो पौधा होता है पेरेनियल भी होता है, जो कि बहुवार्षिक जिसको कहते हैं, और वार्षिक भी होता है। तो अगर हमको इसको बचाना होता है तो हम इसमें पानी बहुत ही कम डालें। जब ऊपर की मिट्टी की सतह एकदम सूखी हो जाए तब ही पानी डालें, क्योंकि इसमें रूट रॉट बड़े जल्दी होता है। मेरे एक पौधे ख़राब भी हो चुके हैं, 1-2 पौधे रूट रॉट के ही वजह से। तो मैं अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं। अगर आप अपने कलांचोए को लंबे समय तक अपने पास रखना चाहते हैं तो पानी तब ही डालें जब ऊपर की सतह मिट्टी की एकदम सूखी हो जाए, तब ही डालें। और गर्मी के समय में जो तेज़ धूप है इससे बचाना होगा इसे, और बरसात में भी ज़्यादा पानी से इसे बचाना होगा। और उसके बाद ठंडी तो इसका ही समय होता है, ठंडी में तो ये अपने सबाब पर होता है दोस्तों। देखिए ये सिंगल पेटल वाला, ये तब का मैंने वीडियो बनाया जब कई सारी कलियां खिल चुकी हैं, तब का ये वीडियो है। देखिए कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। और ये देखिए मैंने कुछ कटिंग से भी लगा के रखा है, उसमें भी कलियां आ चुकी हैं। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ जो कलियां फूल बनने लगे हैं। ये देखिए रेड वाला, येल्लो, देखिए कितने सारे कलियाँ जो थी वो फूल का रूप ले लिए हैं। कुछ फूल जो पुराने हो गए हैं उनका रंग कुछ हल्का हो गया है, और जो अभी अभी नए नए खिल रहे हैं उनका एकदम डार्क येलो है।
और येलो कलर ही दोस्तों मेरा फेवरेट है। और तो मैं बात कर रहा था कि पानी पानी इसमें आपको तभी देना है जब मिट्टी की सतह सूखी हो, नहीं तो पानी नहीं देना है। अब बात कर लेते हैं इसके सॉइल मिक्सचर की, यानी मिट्टी इसमें कैसा हम लेंगे। मिट्टी इसमें ऐसा लेंगे जिसमें पानी ना रुके, पानी ना रुके, यानी कि अगर आप जहाँ रहते हैं जो मिट्टी आप यूज करेंगे वो अगर बलुई मिट्टी है, यानी उसमें बालू की मात्रा पहले से है, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बालू ना मिलाएं तो भी चलेगा। और अगर आपके यहाँ की मिट्टी चिकनी है तो उसको बालू ज़रूर मिलाएं। पहले आप अपने गार्डन सॉइल को लेंगे 50%, फिर उसमें 30% आप सैंड यानी कि बालू मिलाएंगे और बाकी 20% उसमें कंपोस्ट मिलाकर अच्छे से मिक्सचर इसका बनाकर तब आप इस कलांचू के प्लांट को लगा दीजिए। अब बात कर लेते हैं पॉट साइज की, तो दोस्तों पॉट साइज आप 6 इंच से लेके 12 इंच तक का ले सकते हैं। जब प्लांट छोटा रहे तो छोटे पॉट को लीजिए, जैसे जैसे प्लांट बढ़े तो आपको लगे कि नहीं अब इसको चेंज करना चाहिए, मेरा प्लांट बड़ा हो गया, तो आप गमले को बड़ा ले लीजिए। चूँकि ये सकुलेंट प्लांट में आता है दोस्तों, तो इसकी पत्तियों में स्टेम में पानी रहता है, जिसके वजह से इसको पानी कम दिया जाता है। पत्तियों से याद आया दोस्तों कि अगर हम इसके पत्तियों से भी इसको पहचान सकते हैं कि जब हम फूल लेने जाएं तो पत्तियां जो छोटी होंगी वो डबल पेटल वाले फूल की पत्तियाँ होंगी। देखिए जैसे ये सब है डबल पेटल हैं, इनकी पत्तियाँ देखिए छोटे छोटे हैं, और जो सिंगल पेटल वाले फूल होते हैं उनकी पत्तियाँ इनके कंपैरिजन में काफ़ी बड़े होंगे। तो आप अगर डबल पेटल आपको पसंद है फूल, तो आप जब लेने जाइए तो देखिए उसकी छोटी पत्तियों वाला ही लीजिए। अब देखिए मेरा ये फूल जो सूख गए हैं इनको मैं काट के अलग कर देता हूँ, जिससे कि और ब्लूम्स ये दे सके। और ये फरवरी मार्च तक जब तक हल्का हल्का ठंड रहता है तब तक इसमें कलियां फूल आने की पूरे चांस रहते हैं दोस्तों, फिर ये धीरे धीरे डोरमेंसी में जाते हैं। और इनकी जो पत्तियां सूखी उनको तोड़ के हटा दिया करें दोस्तों। पानी सॉइल और पॉट के बाद दोस्तों बहुत ज़रूरी बात है कि इसको धूप कितना देना चाहिए, तो धूप इसको अच्छा खासा धूप मिलना चाहिए दोस्तों। ठंडी में जब इसमें फूल नहीं आता तो लोग एक ट्रिक बताते हैं कि इसको आप 12 से 14 घंटे अंधेरे में रहने दीजिए, और ऐसा कम से कम एक हफ्ते दो हफ्ते क्या 3 हफ्ते तक करिए, तब फिर इसको बाहर धूप में निकाल दीजिए तो कलियां इसमें आने लगती हैं। और ये देखिए इसकी पत्तियां बड़ी बड़ी हैं, ये सिंगल पेटल वाला कलांचू है दोस्तों, इसकी भी मैं ट्रिमिंग कर रहा हूँ जो, क्योंकि इसके काफ़ी फूल सूख चुके हैं और इन सबको सूखे फूलों को हटा देना है दोस्तों। और इसकी कटिंग आप बरसात में या उसके पहले भी लगा सकते हैं, 2 से 3 इंच की छोटी छोटी कटिंग आप लगा लीजिए। और कटिंग किस में लगाएंगे, वो बालू का मीडियम ही सबसे बेस्ट रहता है बालू, क्योंकि उसमें फंगस नहीं लगता है, मिट्टी में फंगस लग जाता है जिससे कटिंग्स ख़राब हो जाते हैं। अगर आप इनको इन पौधों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो बरसात या उसके पहले आप 3 से 4 इंच जैसा मैंने बताया कटिंग ले लीजिए, और बालू का मीडियम रहे उसमें आप लगाइए, और किसी छायेदार पेड़ के नीचे या फिर ऐसे स्थान पे जहाँ धूप न लगे वहाँ पे इसको रख दीजिए, और पानी इसमें तभी दीजिए जब ऊपरी सतह सूखे। तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में उसमें जड़ आ जाएगा। आप इसके लीव से भी यानी पत्तियों से भी इसका पौधा बना सकते हैं, इसके पत्तियों को भी आप जैसे कटिंग लगाते हैं वैसे लगा सकते हैं, और इसके ढेर सारे प्लांट आप बना सकते हैं और प्यारे प्यारे फूल अपने घर आंगन में लगा सकते हैं, देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, घर आंगन की शोभा बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं इतना ही बताऊंगा।
बाकी आपको कुछ क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके सारे क्वेरीज़ का जवाब देने की कोशिश करूँगा। और लास्ट में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेड़ पौधे लगाएं, धरा को बचाएं। इसी मैसेज के साथ दोस्तों धन्यवाद।